हेलो गाइस, ऑप्टिकल बेसिस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, पिछले बहुत सारे वीडियो में मैं सिंगल विजन का, प्रोग्रेसिव लेंस का मार्किंग दिखाया, कैसे मार्किंग किया जाता है। फिर मेरा बहुत सारे व्यूअर ने भी कमेंट किया, क्या सर बाइफोकल लेंस को कैसे मार्किंग किया जाता है, प्लीज़ एक वीडियो बना के अपलोड कर दो। ठीक है, इसीलिए मैं आज गाइस एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बाइफोकल लेंस कैसे मार्किंग किया जाता है। गाइस, मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है, सभी का काम आएगा, एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ्रेम है, ठीक है, इसी फ्रेम का डेमो निकाल में मैं बाइफोकल लेंस को मार्किंग करने वाला हूँ। ये मेरे पास दो लेंस है, ये बाइफोकल टाइप का लेंस है, आप पावर भी देख सकते हैं कितना है। और बाइफोकल लेंस को मार्किंग करने के लिए आपको एक मार्कर चाहिए और एक ऐसा स्केल चाहिए, पीडी स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं लेंस को निकाल के भी दिखा देता हूँ बाइफोकल लेंस कैसा रहता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये राउंड टॉप बाइफोकल है क्योंकि इसका जो नियर का एरिया है ये राउंड राउंड टाइप का है, ठीक है। मैं मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये राउंड टॉप बाइफोकल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, लेंस का जो पावर है वो पहले पावर चेक कर लीजिए, फिर जाके आप मार्किंग करना। तो मैं इस वीडियो में चेक करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है। तो आप पहले चेक कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए, एक्सिस भी रहेगा मतलब सिलेंडर पावर रहेगा तो एक्सिस पहले मार्किंग कर लीजिए, फिर जाके आप डेमो के हिसाब से मार्किंग करना है, ठीक है। मैं चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता है। मैं ऐसा ही आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो डेमो निकाल ले पहले, डेमो का जो हाइट रहता है ये, ठीक है, इसका हाइट पहले आप माप ले कितना है। पीडी स्केल जो रहता है उसको ऐसा बिठा के आपको हाइट मापना है। ये 3.5 है इसका जो हाइट, ठीक है, आप देख सकते हैं 3.5 है, इधर तक आ रहा है, ये 3.5 है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, इसका जो डिस्टेंस का एरिया रहता है, ठीक है, उसको कितना रखना है, उसको रखना है 60%। इसका जो 3.5 है इसका 60% रखना है डिस्टेंस के लिए एरिया, और जो नियर का एरिया है उसको रखना है 40%। तो 3.5 का 60% कितना हो रहा है, लगभग 2 के आसपास। मैं ऐसा ही दिखा देता हूँ, आप कैलकुलेट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इसका जो एरिया है ये 60% है और इसका जो एरिया है ये 40% है, ठीक है। ऐसा ही बाइफोकल मतलब मार्किंग करना किया जाता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, मतलब सभी में काम आएगा ये, बहुत ही अच्छा फिटिंग होता है। मैं ऐसे एक बार लंबा मार्किंग कर देता हूँ ताकि बाइफोकल लेंस मार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी ये जो एरिया है गोल बाय मतलब गोल जो एरिया है ये राउंड वाला, इसके ऊपर ऐसा ही रखना है डेमो को। फिर जो मैंने मार्क किया है उसको ऐसा नहीं रखना है, एकदम बराबर सा एकदम रखना है, ऐसे राउंड टॉप मतलब जो एरिया है ऐसे मार्किंग के उधर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है, एकदम बराबर से रखना है। और मतलब ऐसा मिडिल में भी नहीं रखना है, ये जो गोल राउंड एरिया है डेमो का एकदम मिडिल में भी नहीं रखना है, देखने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। ये जो कोने का मतलब डेमो का जो राउंड वाला ये कोने का जो एरिया है ये जो ऐसे रखना है, ठीक है, जिधर से शुरू हो रहा है ये राउंड, ठीक है, ये जो डेमो का एरिया है उधर से शुरू करना है ताकि फोकस में कोई प्रॉब्लम ना हो, देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो गाइस, अभी देख सकते हैं बराबर से मार्किंग हो गया है, अभी बराबर मैंने लगा दिया, अभी मार्किंग कर लेता हूँ। ऐसा मिडिल पॉइंट में पकड़ना है, ठीक है, डेमो को, ताकि इधर उधर ना हो, फिर जाके ऐसे मार्क कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मार्किंग हो चुका है। ये जो एरिया है ये 60% एरिया है डिस्टेंस के लिए, और ये जो एरिया है ये इतना हाइट, ये 40% एरिया है नियर के लिए,
ठीक है, मतलब पास का जो देखना होता है ना उसका एरिया है ये, इसी से आपको पास का मतलब कुछ भी दिखेगा। तो ऐसे करके आप बाइफोकल का मार्किंग करना बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, सभी में मतलब फिटिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो बेसिक सा फॉर्मूला था, आप भी ऐसे करके फिटिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा मतलब फिटिंग होता है। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्पेक्टेकल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं।